أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. I am Umar Ahmad Khan, your English language instructor, and I welcome you all to my YouTube channel Fortune Education. Well guys, today's topic is phrase. How phrase is different from clause, or what is the difference between phrase and clause? What are its types, and how we can identify that whether this is phrase or not? Today we'll be learning all about phrases and what is the difference between clause and phrase. फ्रेज क्या होता है और इसमें डिफरेंस क्लॉज में क्या होता है, इंशाल्लाह आज हम ये सीखेंगे. तो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक और लेट्स बिगिन विद द लेक्चर. फ्रेज क्या होता है जी? फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. फ्रेज क्या होता है जी? फ्रेज एक जुमले का हिस्सा है जिसमें ना ही तो सब्जेक्ट होता है और ना ही तो प्रेडिकेट होता है. और क्लॉज इसके बरक्स हम देखें तो क्लॉज क्या होता है जी? क्लॉज हमारे पास एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है. सब्जेक्ट भी होता है और जिसमें प्रेडिकेट भी होता है, ये क्लॉज हो गया. और फ्रेज क्या हो गया? जिसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट भी नहीं होता. और फ्रेज के लिए आप ये याद रखें कि फ्रेज के लिए स्ट्रक्चर ये है कि जी फ्रेज इज इक्वल टू नो सब्जेक्ट नो वर्ब, ठीक है. और ये याद, और इसके साथ ये भी ऐड कर लें कि फ्रेज में कोई क्लॉज नहीं होती, लेकिन एक क्लॉज में फ्रेज हो सकती है. फ्रेज में कोई क्लॉज नहीं होती और क्लॉज में फ्रेज हो सकती है. इस पॉइंट को आप जहन में रख लें और डिफरेंस आपको मेन पता चल गया. दोनों डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं है. क्लॉज की अलग से टाइप्स हैं, डिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट. डिपेंडेंट की अलग से तीन टाइप्स हैं, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब क्लॉज. और इसकी जो फ्रेज है इसकी अलग से डिफरेंट, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. इसके साथ इसकी पांच पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिस पे जो टाइप्स हैं वो कितनी टाइप्स हैं? वो पांच टाइप्स हैं जिसके जो आपके सामने है. वो कौन कौन सी हैं? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज और वर्ब फ्रेज. ये आपके पास पांच टाइप्स हैं जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिस पे हैं. और दूसरी जो के टाइप्स हैं, अदर टाइप्स या जिसको हम वर्बियल फ्रेजेस कहते हैं, वो कौन कौन सी फ्रेजेस हैं? वर्ब की बेसिस पर जो फ्रेजेस हैं उनको हम कहते हैं वर्बियल फ्रेजेस. वर्ब की कौन कौन सी फ्रेजेस हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं? जैसे कि एक फाइनाइट वर्ब है और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब है. फाइनाइट वर्ब किसको कहते हैं? ऐसा वर्ब जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू नंबर चेंज हो जाए, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब. और ऐसा वर्ब जो कि अकॉर्डिंग टू टाइम, पर्सन और नंबर चेंज ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब. ये इंशाल्लाह हम जब मैं इन्फिनिटिव का या जो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का लेक्चर जब इंशाल्लाह उस पर लेक्चर डिलीवर करूँगा तो उसमें ये और वजाहत से भी बताऊँगा. लेकिन अभी तक के लिए आप ये समझ लें कि नॉन फाइनाइट क्या है और फाइनाइट वर्ब क्या है. नॉन फाइनाइट की आगे से तीन टाइप्स होती हैं जिसको कहते हैं जी. एक जो सबसे पहली टाइप है उसको कहते हैं जेरंड फ्रेज, फिर उसके बाद पार्टिसिपल फ्रेज, और उसके बाद कौन सी है जी? इन्फिनेटिव फ्रेज. जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव, यही तीन बेसिक टाइप्स हैं. और इन्हीं की आगे से जो तीन फ्रेज हैं उनको हम कहते हैं वर्बियल फ्रेजेस. अदर टाइप्स में अगर आप देखना चाहें तो वो अदर टाइप्स में ए पॉजिटिव फ्रेज भी है और कंजंक्शनल फ्रेज भी है, इंटरजेक्शनल फ्रेज भी है. ये अदर टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं. लेकिन मेन टाइप्स हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिस पर जो टाइप्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिस पर उनको हम कहते हैं फ्रेजेस. ये बाकी भी फ्रेजेस हैं लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिस पर जो फ्रेजेस हैं हम उनको कहते हैं ये मेन फ्रेजेस हैं. तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी इसी से, नाउन फ्रेज से. नाउन फ्रेज क्या होता है? देखें, मैंने आपको बताया कि फ्रेज के लिए क्या ज़रूरी है. फ्रेज के लिए ये ज़रूरी है उसमें ना ही तो सब्जेक्ट हो और उसमें ना ही तो वर्ब हो. लेकिन जब हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो जो भी टाइप हम डिस्कस करेंगे उसमें उसका हेड वर्ड का होना ज़रूरी है. हेड वर्ड का होना ज़रूरी से क्या मतलब है? हेड वर्ड का होना इससे मतलब ये है कि अगर नाउन फ्रेज है तो उसमें नाउन का होना ज़रूरी है, वर्ब फ्रेज है तो उसमें वर्ब का होना ज़रूरी है. इस पॉइंट को जहन में नहीं रखना कि आपने कह दिया कि सर ने कहा फ्रेज है तो उसमें ना ही तो सब्जेक्ट होता है और उसमें ना ही तो वर्ब होता है. अगर आप सिंपल फ्रेज की डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो देखें, फ्रेज की डेफिनेशन ये होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि जी ही स्टैंडिंग एट द गेट. इसमें ही क्या है जी? ही आपके पास सब्जेक्ट है. इज क्या हो गया जी? इज आपके पास हेल्पिंग वर्ब हो गया. स्टैंडिंग क्या जी? आपके पास मेन वर्ब हो गया. एट द गेट, एट आपके पास प्रपोजिशन है. द गेट, द आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है. और उसके बाद गेट क्या? आपके पास ऑब्जेक्ट है. एट द गेट आपके पास कौन सी फ्रेज हो जी? प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगी. अगर हम इसको प्रपोजिशनल फ्रेज ना कहें, जनरली अगर हम ये कह दें कि जी एक फ्रेज है, तो ये क्या है जी? ये एक फ्रेज है. तो इसमें ना ही तो हमारे पास सब्जेक्ट है और इसमें ना ही तो हमारे पास वर्ब है. तो ये क्या होगी? हमारी फ्रेज की एग्जांपल होगी. अब देखते हैं नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज जब मैंने कह दिया तो इसमें नाउन का होना ज़रूरी है.
अब और दूसरा, इसमें जो नाउन फ्रेज में जो नाउन है वो फंक्शन किसका काम करेगा, वो डेफिनेटली नाउन का फंक्शन करेगा। मैं कह दूं कि जैसे कि मैं कह द वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प, द वुमेन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अब ये द वुमेन जो है ये क्या है, ये हमारे पास नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज मैंने आपको बताया कि सिंगल वर्ड कोई फ्रेज नहीं होगा, टू और मोर देन टू वर्ड्स जब ये ज्वाइन होंगे तो ये क्या होगा, और इनकी कोई भी ये फ्रेज आपको कोई भी मीनिंगफुल जो है ना वो थॉट नहीं देती है, कोई भी इसकी कंप्लीट थॉट नहीं होती है, इनकम्प्लीट इसका सेंस होता है, कोई भी इसका मतलब पूरा नहीं होता। तो इस वजह से ये भी आपने ये याद रखना है कि ये मोर देन टू वर्ड्स होते हैं, टू और मोर देन टू वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेज बनता है। द वुमेन, द एक आपके पास डेफिनेट आर्टिकल है, वुमेन हमारे पास नाउन है, तो हमने ये क्या कह दिया, द वुमेन हमारे पास क्या हुआ, ये नाउन फ्रेज हुआ। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल अगर ये देखें, आप कहें कि जी द मैन किल्ड, द मैन किल्ड द बर्ड। अब ये जो बर्ड है ये क्या है, द बर्ड, ये भी आपके पास नाउन फ्रेज है, और द मैन ये भी नाउन फ्रेज है। अगर आप पूरे जुमले का एनालिसिस करने चाहें तो हम पूरे जुमले का भी एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैंने पहली एग्जांपल में बताया, पहली एग्जांपल आपको मैंने क्या बताई कि जी द वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प, द वुमन हमारे पास नाउन फ्रेज हो गया, द वुमन हमारे पास नाउन फ्रेज हो गया, इन द विंडो हमारे पास कौन सी प्रपोजिशनल फ्रेज हो गई, शाउटेड हो गया, हमारे पास मेन वर्ब हो गया, और फॉर हेल्प हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉर हेल्प हमारे पास अगेन ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगी। हमारे पास ये प्रपोजिशनल फ्रेज, पूरे के पूरे सेंटेंस का आपने एनालिसिस कर लिया। इसी तरीके से आप हर जुमले का एनालिसिस कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप हमारे पास क्या है जी, वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज के बाद क्या है जी, वर्ब फ्रेज। आप इसको रैंडमली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वर्ब फ्रेज के लिए आपको एक याद रखना है फार्मूला। वर्ब फ्रेज का फार्मूला क्या होता है, वर्ब फ्रेज इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज। सिंपल सा फार्मूला है, आपने ये याद रखा तो आप कभी भी वर्ब फ्रेज इंशाल्लाह नहीं भूलेंगे। वर्ब फ्रेज क्या होता है, वर्ब फ्रेज इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दी, द वुमेन सॉरी ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, ही इज स्टैंडिंग एट द गेट। अब इज हमारे पास क्या प्रेजेंट, ये पूरा सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इज क्या क्या हो गया जी, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग हमारे पास मेन वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज। तो हमने कह दिया ये क्या है जी, ये हमारे पास वर्ब फ्रेज है। आगे देखते हैं जी, कोई और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कहता हूँ कि जी दे हैव बीन वेटिंग फॉर आस सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन वेटिंग फॉर आस सिंस मॉर्निंग। अब हैव बीन वेटिंग क्या हैव बीन, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, वेटिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। तो हमने क्या कह दिया जी, हैव बीन वेटिंग इसमें क्या है जी, है ये वर्ब फ्रेज है। ये आपके पास फार्मूला है जी वर्ब फ्रेज का, क्या है जी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब इज इक्वल टू वर्ब फ्रेज। आगे बढ़ते हैं जी प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरफ। प्रेपोजिशनल फ्रेज के लिए, वर्ब फ्रेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था जी, वर्ब फ्रेज के लिए तो इजी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको फार्मूला बता दिया। तो कोई भी वर्ड हो, वर्ब फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उनमें हेड वर्ड का होना जरूरी है। वो हेड वर्ड होगा जो कि आपका टाइटल होगा आपका। अब प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज का ये मतलब हुआ कि जो हमारी प्रेपोजिशन है वो हेड वर्ड का काम करेगी, वो हमेशा क्या काम करेगी, वो आपकी फ्रेज को लीड करेगी। फ्रेज को लीड करने से मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल एक ली, फॉर कोई और डिफरेंट एग्जाम्पल ले, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आप इसके पूरे का पूरे जुमले का एनालिसिस कर, द चिल्ड्रन क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, आर प्लेइंग क्या होगा, वर्ब फ्रेज हो, वर्ब फ्रेज हो गया, इन द ग्राउंड क्या होगा आपके पास, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा। इन द ग्राउंड, ऑन द टेबल, नियर माई होम, नियर माई होम, एट द गेट, इन द विंडो, ये डिफरेंट, ये जितनी भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ, जितने भी पार्ट मोर देन टू वर्ड्स हैं या टू और मोर देन टू वर्ड्स हैं प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे जी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसको हम क्या कहेंगे जी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अभी तक हमने तीन टाइप्स को डिस्कस किया है जी। तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं देखें जी, नाउन फ्रेज है, उसके बाद एडजेक्टिव फ्रेज, नाउन फ्रेज है, उसके बाद वर्ब फ्रेज है, उसके बाद है जी प्रपोजिशनल फ्रेज। मैंने आपको बड़ी इजी सी आइडेंटिफिकेशन इनकी बताई है और बड़ा आसान सा समझाया, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। उसके बाद है जी दो हमारी टाइप्स रह गई हैं, और दो टाइप्स, एक एडजेक्टिव फ्रेज और दूसरी एडवर्ब फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है जी, एडजेक्टिव फ्रेज बिल्कुल वही काम करता है जी जो जो एज पार्ट ऑफ स्पीच काम करता है। पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है कि जी एडजेक्टिव जो है वो क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो इसमें भी ये क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा किसको, नाउन को।
तो जब ये होगा और साथ में इसके नाउन होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। फॉर एग्जांपल मैं इसकी अगर आपको डेफिनेशन बता दूँ तो इसकी डेफिनेशन क्या है जी, एन एडजेक्टिव फ्रेज इज कंप्राइज ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्क्स एज अ सिंगल एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एज आई टोल्ड कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है जी, एडजेक्टिव फ्रेज एक नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। ये वही फंक्शन इस फ्रेज में भी करता है कि नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। जैसे कि मैं कह दूं कि जी एलेक्स इज़ वेल बिहेव्ड मैन, एलेक्स इज़ वेल बिहेव्ड मैन, इसमें आपके पास जो एडजेक्टिव है वो क्या है जी, हमारे पास जो एडजेक्टिव है वो क्या है, वेल बिहेव्ड। वेल बिहेव्ड हमारे पास क्या है जी, ये एडजेक्टिव है। अगर मैं कहूँ कि जी ही इज़ अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, ही इज़ अ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, अब ये ऑफ फ्रेंडली ये मैं क्या बता रहा है जी, ये नेचर के बारे में बता रहा है। नेचर ये जो फ्रेंडली है ये क्या है जी, एडजेक्टिव है। ये क्या है जी, ये एडजेक्टिव है। अब हमने इस वजह से इसको कह दिया, ये कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट स्लीप एट नाइट, अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट स्लीप एट नाइट। अब अ लॉट ऑफ क्या है, अ लॉट ऑफ क्या है जी, ये एडजेक्टिव है। शी लीड्स ए वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, शी लीड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, वो एक अच्छी जिंदगी गुजारती है। अब यहाँ पर वेरी इंटरेस्टिंग क्या होगा, वेरी इंटरेस्टिंग हमारे पास एडजेक्टिव है, उसके बाद लाइफ है, लाइफ एक नाउन है। तो हमें ये पता चला कि हमेशा नाउन से पहले एक एडजेक्टिव आएगा, और ये वाली फ्रेज इसको हम क्या कहेंगे, ऐसी फ्रेज को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद है जी एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज का क्या काम है जी, एडवर्बियल फ्रेज मॉडिफाइज अ वर्ब और द एडजेक्टिव एंड वर्क्स एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस। फॉर एग्जांपल एडवर्ब का क्या काम होता है जी, एडवर्ब हमेशा ऐड करता है जी मीनिंग, एडवर्ब हमेशा क्या करता है, इट एड्स मीनिंग टू द वर्ब, इट एड्स मीनिंग टू द वर्ब एंड इट कंप्लीट्स द सेंटेंस और गिव्स और मोर क्लैरिफाइज दैट व्हाट वी आर डूइंग और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। लेट्स सी, द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड, द हॉर्स रन्स एट अ गुड स्पीड। नाउ स्पीड इज अ वर्ब, नाउ गुड इज टेलिंग अस मोर क्लियरली दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट और हाउ दिस सेंटेंस इज गोइंग ऑन। और ये क्या है जी, गुड हमारे पास ये एडवर्ब है, तो हमने ये बता दिया कि ये फ्रेज कौन सी है। देखिए हमारे पास एडवर्ब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एडवर्ब हमारे पास कौन कौन से होते हैं, देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर है विच टेल्स हाउ आर एक्शन इज बीइंग डन, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ डिग्री है, एडवर्ब ऑफ रीजन है, और हमारे पास डिफरेंट एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी है, डिग्री सेम ही है, हमारे पास डिफरेंट एडवर्ब्स हैं। अब इनमें से अगर कोई वर्ड होगा और उसके साथ वर्ब होगा और वो मीनिंग ऐड कर रहा होगा, तो हम डेफिनेटली कहेंगे कि जी ये कौन सी फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि जी आई वॉज इन अ हरी, आई वॉज इन अ हरी देन, आई वॉज इन अ हरी देन, अब हरी देन क्या होगा, ये होगा एडवर्ब फ्रेज। आई रैन और आई डिलीवर्ड ए लेक्चर एज फास्ट एज पॉसिबल, आई डिलीवर्ड अ लेक्चर एज फास्ट एज पॉसिबल। अब एज फास्ट एज पॉसिबल क्या है, ये है जी एडवर्ब, ये क्या है जी, एडवर्ब फ्रेज। ही वर्क्स वेरी स्लोली, ही वर्क्स वेरी स्लोली, अब ये क्या है जी, ये सारे के सारे ये जो ये फ्रेज है ये क्या है जी, एडवर्ब फ्रेज। मैंने अपने इस ये आपका पूरा का पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया, 13 मिनट्स में आपने ये सीखा कि जी एक फ्रेज़ क्या होता है, उसकी डिफरेंट टाइप्स क्या होती हैं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये 13 मिनट में सीखा है। और यही लेक्चर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, जो हजरात इसको पढ़ना चाहें, जो स्टूडेंट्स इसको पढ़ना चाहें, वो इस लिंक की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और उसमें लेक्चर 7 पर क्लिक करेंगे जो टेक्सचुअल फॉर्म में अवेलेबल है, और उसको आप वहाँ से पढ़कर इसकी एग्जांपल्स भी देख सकते हैं और इसका एनालिसिस भी देख सकते हैं, सब कुछ वहाँ पे आपको टेक्सचुअल फॉर्म में भी अवेलेबल होगा। फ्रेज़ क्या होता है, मैंने आपको आपको सिर्फ एक शॉर्ट सा ओवरव्यू पूरे लेक्चर का दोबारा दे देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। फ्रेज और क्लॉज में डिफरेंस देख लें, फ्रेज क्या होता है जी, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, फ्रेज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विदाउट हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विद हैविंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रेडिकेट इसमें होता है वो फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कौन सा होता है। और अब जो क्लॉज की टाइप्स हैं वो डिफरेंट हैं, डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की कोई टाइप नहीं होती, इसको सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, और जो डिपेंडेंट है उसकी 3 टाइप्स होती हैं, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज, और जो फ्रेज है उसकी 5 टाइप्स होती हैं, फ्रेज
पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेसिस पे पांच टाइप्स होते हैं। सबसे पहली नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज। नाउन फ्रेज हमारे पास क्या है जी, नाउन ऐसी फ्रेज जिसमें नाउन का होना जरूरी है, द मैन किल्ड द थीव, या दूसरी एग्जांपल में कह दूँ द वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। पहली एग्जांपल में द मैन और उसके अलावा द थीव, ये दोनों नाउन है। दूसरी एग्जांपल में क्या है जी, दूसरी एग्जांपल में द वुमन, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। जो प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशन फ्रेज का ये मतलब है कि जी उसमें आपके प्रपोजिशन का होना ज़रूरी है, पहले प्रपोजिशन का होना जरूरी है, उसके बाद बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो सकता है, जैसा कि इन द विंडो, एट द गेट, नियर माय होम, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड, जितनी भी ये वर्ड्स हैं ये सारे की सारी कौन सी फ्रेजेस हैं, प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। वर्ब फ्रेज का आसान सा फार्मूला है जी, वर्ब फ्रेज क्या होता है जी, वर्ब फ्रेज इज इक्वल टू हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जितने भी आपके पास सेंटेंसेज हैं, अब अगर आप कंटिन्यूस सेंटेंसेज को देख लें, आपके पास हेल्पिंग वर्ब होगा और मेन वर्ब होगा। एक तो इजी आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब जो है ना वो सारे के सारे क्या है, वर्ब फ्रेज। यही आइडेंटिफिकेशन है, इसके अलावा आपके पास और कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और यही एक आसान तरीका भी है। अली स्टैंडिंग एट द गेट इज और स्टैंडिंग आपके पास क्या है जी, ये वर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्या है, एडवर्ब हमारे पास पहले आपको एडवर्ब का पता होना चाहिए। एडवर्ब की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, प्लेस है, टाइम है, डिग्री है, डिफरेंट है, रीजन है, पर्पज है। अभी आपके पास ये सारे के सारे एडवर्ब हैं, अगर आपको ये टाइप्स पता हैं और इनका फंक्शन पता है और इनमें वर्ड कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करें। और ये भी याद रखें कि एडवर्ब जो है वो हमेशा कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एडवर्ब हमेशा हमारी वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जी ये हमारी फ्रेज कौन सी है, ये एडवर्ब फ्रेज है। उसके बाद हमारी जो लास्ट है जी, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव काम क्या करता है जी, एडजेक्टिव हमारे उसको मॉडिफाई करता है नाउन को। तो नाउन एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू, दैट्स वेरी सिंपल, एडजेक्टिव प्लस नाउन इज इक्वल टू एडजेक्टिव फ्रेज एंड दैट्स इट। यही आज का हमारा एक लेक्चर था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया तो आप मेरे से, कोई भी आपका पॉइंट है, कोई आपको सवाल या कोई समझ नहीं आया, कोई एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आई, तो आप इस कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ भी रिस्पॉन्ड करूँगा, और नोट्स आप जब पढ़ लेंगे तो आपका कोई सवाल इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आखिर में एक गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मोर इन्फॉर्मेटिव, इंशाल्लाह आगे के जो लेक्चर्स होंगे वो मोर इन्फॉर्मेशन से जो है ना भरे होंगे, जैसा कि ऐसे राइटिंग क्या होता है, स्टोरी राइटिंग क्या होता है, पैराग्राफ राइटिंग क्या होता है, एप्लीकेशन का क्या तरीका है, लेटर लिखने का क्या तरीका है, नाइन्थ के जो जितने भी चैप्टर्स हैं इंशाल्लाह उसको भी कवर करेंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जितने भी हैं, इसके अलावा डिफरेंट और जो सी एस एस के जो टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह तमाम टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। और इंशाल्लाह, और आप अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।